हेलो भाइयों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है सिंक्रोनियस मोटर, जो कि आज मेरे किसी स्टूडेंट से मेरे से बोला था कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, हमको बहुत ही प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है इस टॉपिक में। तो मैं आपके सामने लेकर आया सिंक्रोनियस मोटर टॉपिक, जो कि मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा आपको, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा वीडियो को, शॉर्ट वे में आपको किस तरह से इसके टॉपिक का क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर आईटीआई का भी पेपर आ रहा है, जो रेलवे में भर्ती निकली आईटीआई के, उसमें ये टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर, वो ही मोस्ट टॉपिक है। तो देखो, मैं इसके बारे में आपको जनरली थोड़ी सी पहले तो गाइडेंस करूँगा कि ये किस तरह से करना है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहले जाती है, पूछी जाती है आरपीएम, एनएस बराबर 60 एफ अपॉन पी। देखो, एफ का मतलब होना चाहिए, एफ होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो अपनी 50 हर्ट्ज़, इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है ना मोटर में, और ये पी क्या होती है, पोल्स की संख्या, पोल्स के पियर, पोल्स के पियर। देखो, इसका एनएस बराबर कहीं कहीं पर ये सूत्र होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी। जनरली आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में दोनों फॉर्मूले हैं, 60 इंटू एफ अपॉन पी एंड 120 अपॉन एफ अपॉन पी। 120 अपॉन वायु देना है, जहां पर पियर भी देना है, दैट पोल की संख्या कितनी है, तो वहां पर 120 देना है। अगर हम पियर ले रहे हैं तो एक पियर से, यहाँ पर देखो एक, अगर पेयर लेंगे तो दो का भाग कर देंगे, वही 60 हो जाएगा, क्योंकि एक पेयर में दो जोड़े होते हैं, तो वही 60 इंटू एफ अपॉन पी। अगर आप डायरेक्ट पेयर बना रखे हैं तो 60 इंटू एफ अपॉन पी लो, अगर पेयर नहीं बना रखे डायरेक्ट पोल्स लेने हैं तो आप 120 इंटू एफ अपॉन पी भी ले सकते हो। आप ये लेके चलेंगे, अपन पेयर बना के चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंक्रोनस मोटर होती क्या है। देखो, सिंक्रोनस मोटर होती है जो अपन घरों में यूज लेते ना मोटर, उसी मोटर का सारा मेथड है। जो गर्म अपन पानी की मोटर यूज लेते हैं, सामने देखी होगी पानी की मोटर, तो है ना, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने पानी की मोटर नहीं देखी होगी, मैं जहां तक जानता हूँ। पानी की मोटर होती है, उसके अंदर से संरचना इस प्रकार होती है कि उसमें अंदर एक शाफ्ट होती है जो घूमती है, शाफ्ट के ऊपर होता है इस तरह से बाइंडिंग, जिसको अपन बोलते हैं रोटर, ये शाफ्ट के ऊपर लगी होती है, इसको हम बोलते हैं रोटर। और इसके ऊपर एक जो अपना लोहे का पार्ट होता है, लोहे के पार्ट के अंदर होती है इस तरह से एक फुल बाइंडिंग, जिसको अपन बोलते हैं स्टेटर, इसका नाम होता है स्टेटर, स्टेटर। जो हमारा स्टेटर पार्ट होता है मोटर का, ये फिक्स होता है कवच के साथ ही, लेकिन हमारा जो रोटर पार्ट होता है ये शाफ्ट के साथ घूमता है, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर क्या है कि रोटर वाला पार्ट होता है जो शाफ्ट के साथ घूमता है, और स्टेटर पार्ट होता है जो अपना घूमता नहीं, ये स्थिर रहता है मोटर के अंदर, है ना, ये दो चीज होती है। और इसी के ऊपर सिंक्रोनस मोटर का सिद्धांत चल रहा है कि ये रोटर और स्टेटर इनका काम कैसे होता है, इन पे किस तरह से घूमते हैं ना, आगे अपन यही चीज बताएंगे तुमको। देखो, सिंक्रोनस मोटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेटर पार्ट होता है जो स्थिर रहता है और जो रोटर वाला पार्ट होता है वो घूमता है ना, स्थिर रहता है। और इसके दो टाइप होते हैं, थ्री फेस मोटर और सिंगल फेस मोटर, दो तरह की मोटर होती है, सिंगल फेस मोटर और थ्री फेस मोटर। बुक में जो क्वेश्चन आएगा, जनरली थ्री फेस मोटर के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, वन फेस के ऊपर कोई जनरली क्वेश्चन देता नहीं है। मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके ऊपर किस तरह क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताऊंगा ना। अब देखो, ये दो पार्ट्स होते हैं सिंक्रोनस मोटर में, स्टेटर और रोटर। स्टेटर पार्ट आपको बताया गया हमने स्थिर रहता है कवच के साथ, रोटर पार्ट होता है जो घूमता है। अब देखो इसकी कार्य, ये तो अपनी संरचना, अब इसकी कहते हैं कार्यविधि कि काम कैसे करते हैं सिंक्रोनस मोटर, पूरी आपको बताता हूं। देखो, सिंक्रोनस मोटर इस तरह से होती है कि उसमें इस तरह से हम शो करेंगे सिंक्रोनस मोटर को, ये हमारा भार का पार्ट हो गया, थ्री फेस मोटर के लिए चल रहा हूं अभी, थ्री फेस मोटर, इसमें ये होता है भार का पार्ट स्टेटर जो स्थिर रहता है, इसमें इस तरह से तांबे के तार से कॉपर वाइंडिंग होती है पूरे में, इस तरह से कॉपर वाइंडिंग होती है। जो कि थ्री फेस मोटर है तो इसमें अपना थ्री वायर हो गए फेस के, है ना, ये थ्री वायर इसमें इस तरह से कनेक्ट होते हैं, तीन वायर, वाई बी एक्स, इनको बोल दो वाई बी
एच या वाई बी आर बोल दो, इस तरह से इनके तीन वायरों के तीन नाम होते हैं, वाई बी आर जो थ्री फेज के थ्री वायर है ना, इनको हमने कनेक्ट कर रखा है इसकी बाहरी वाइंडिंग से स्टेटर के साथ में, और ये होता है हमारा इसके अंदर रोटर, ये हमारा रोटर हो गया, ये हमारा इसको बोलते हैं रोटर, जो कि अंदर होता है जो घूमता है शाफ्ट के साथ, जो पार्ट घूमता है वो होता है रोटर, इसको हम इस तरह डिनोटेड करेंगे और बाहर वाले पार्ट में स्टेटर को इस तरह से दिखाएंगे। सबसे पहले हो गया हमारा सिंक्रोनस मोटर, इसका नाम सिंक्रोनस मोटर ही क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन जनरली बच्चों के दिमाग में आता है कि सर सिंक्रोनस मोटर का नाम सिंक्रोनस मोटर क्यों रखा। देखो जो हमारी मोटर होगी सामने देखी होगी घर की मोटर इस तरह से होती है, इसमें शाफ्ट होती है बाहर इस तरह से लगा होता है और ये आपने नीचे रख दी, ये पानी खींच रही है ना। सिंक्रोनस मोटर होता है कि एक फिक्स स्पीड पे उसका आरपीएम चलते रहना, एक फिक्स स्पीड पे उसको चलते रहना, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, इसलिए इसका नाम रखा हमने सिंक्रोनस मोटर, यानी कि एक ये कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलती रहती है उसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। इसकी स्पीड निकालते हैं हम उसी फॉर्मूले से, एन एस बराबर 60 इंटू एफ अपॉन पी। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब मैं समझाऊंगा है ना। तो जैसे ही हमने यहां से एसी, इसमें क्या करंट जाएगा, एसी अल्टरनेटिव करंट दौड़ाया तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह इसमें चुंबकत्व धारा उत्पन्न होती है सारे में, किसमें, स्टेटर के अंदर चुंबकत्व धारा उत्पन्न होती है। ये हमारा एस पार्ट हो जाएगा यहां से एस, और ये एन, चुंबक का दो ही पार्ट होते हैं एस और एन, और ये इस तरह से रोटेट करती है इस तरह से, ये देखो यहां से ये इस तरह से चुंबकत्व इसमें धारा प्रवाहित होगी। जब भी हम कोई भी वाइंडिंग में कॉपर वाइंडिंग होती है उसके अंदर जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एक ही काम होगा चुंबकत्व पैदा करना, चुंबकत्व पैदा करना। इसमें हमने तीन फेज इसके अंदर डाले, तीन फेज एसी करंट दिया तो इसमें क्या हुआ, चुंबकत्व पैदा, चुंबकत्व पैदा हुआ तो ये इसी पार्ट में चुंबकत्व पैदा हुआ, इसके अंदर रोटर वाले पार्ट में नहीं हुआ, तो हमको अगर मोटर को चलाना है तो इसके अंदर में चुंबकत्व पैदा करवाना होगा। ये इसका यही मेन पॉइंट है कि इस अंदर वाले पार्ट में चुंबकत्व पैदा कैसे करेंगे, क्योंकि ये थ्री फेज वाइंडिंग है, ये ओनली स्टेटर के ऊपर है, रोटर में कुछ नहीं है, तो हमने इस करने के लिए हमने इस पर भी वाइंडिंग की, इस पर भी वाइंडिंग की और इसको दे दिया बाहर इस तरह से, है ना, इस तरह दे दिया, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया वोल्टेज, और बैटरी में होता क्या है डीसी। जनरली एक क्वेश्चन सबके दिमाग में होगा कि सर इसमें डीसी क्यों लगाई, एसी क्यों लगाई, है ना, यहां से हम एसी दे रहे हैं, अगर हम यहां से भी एसी दे देंगे, यहां से भी एसी दे देंगे तो इसमें क्या होगा, एसी देने के बाद इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये इसका साउथ पोल हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने एसी ना देकर इसमें क्या दिया डीसी, हम डीसी देंगे, डीसी देने से क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये इसका साउथ पोल हो जाएगा, जब नॉर्थ साउथ हो जाएगा तो ये नॉर्थ साउथ इन आपस में पीयर कर लेंगे और ये एक बहुलक के तौर पे आपस में मिलकर काम करेंगे, क्यों, ये चुंबकत्व पैदा है, ये चुंबकत्व पैदा करेगा, इन दोनों के मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हमारी मोटर का रोटेशन होता है, वो रोटेशन करवाने के लिए हम मोटर का रोटेशन करवाने के लिए सिंक्रोनस मोटर, एक लगातार एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर मोटर का रोटेशन करवाने के लिए हम इसमें डीसी देते हैं और इसमें एसी देते हैं, क्यों देते हैं कि ये दोनों पोल चेंज हो जाए और चेंज हो गए तो ये साझा बनाएंगे और उस साझा से हमारी मोटर चलेगी। अब क्वेश्चन माइंड में क्या आता है कि हम इसमें डीसी तो दे रहे हैं लेकिन आपने मोटर की देखी होगा, मोटर ऐसे रहती है, इस तरह से मोटर रहती है, अंदर एक शाफ्ट रहती है उसके ऊपर ये स्टेटर, ये रोटर हो गया और ये स्टेटर इसमें पूरे बंधा हुआ होता है वाइंडिंग, लेकिन उसमें आपने डीसी नहीं देखा होगा कहीं पे भी, क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर डीसी में देखो करंट होता नहीं है, हम जनरली हमारा घर वाला एसी ही करंट उसमें देते हैं, उसी के दो तार होते हैं, सिंगल फेज में दो तार होते हैं और थ्री फेज में थ्री वायर होते हैं एसी के, आपने डीसी को नहीं देखा, उसका आंतरिक संरचना ऐसी होती है, मैं आपको उसको समझाता हूँ, जो उसकी मेन संरचना होती है उसको देखते हैं, ये ना उसमें होता क्या है एक्चुअली, ये हमारी स्टेटर हो गया, स्टेटर में कॉपर वाइंडिंग कर दी, कॉपर वाइंडिंग कर दिया, कॉपर वाइंडिंग करने के बाद ये थ्री वायर निकाल दिए, थ्री वायर हो गए आर वाई एच आर वाई बी कुछ भी हो गया ना, ये थ्री वायर हो गया, इसके अंदर ये हमारी हो गई
रोटर, ये रोटर हो गया, रोटर में हमने वाइंडिंग कर दी सिरे चेंज करने के लिए, जैसे एक लग नहीं हो, ये हमारा साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, किससे बना, ये हमने करंट एसी करंट प्रोवाइड किया, इससे इसमें एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हुआ जिससे इसके नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे। इसमें हम डीसी देंगे, डीसी देंगे है ना, तो इसमें बैटरी का उपयोग नहीं करते हम, जो हमारा रोटर होता है, रोटर, ये रोटर मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा होता है, ये हमारा रोटर हो गया, ये रोटर क्या है, घूमता है, ये रोटर घूमता है, जो घूमता है तो ये जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये रोटर घूमता है तो इसमें हम इस तरह से यहां पर छोर लगा हुआ रोटर जो हमारा घूमता है ना रोटर। अब डीसी कनेक्ट करने के लिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, डीसी सर्किट, एक छोटा सा डीसी सर्किट लगा देते हैं जो किससे काम करेगा, वो डीसी सर्किट जो ये शाफ्ट घूमेगी ना इसके थ्री फेज के चुंबकत्व से, ये हमारी शाफ्ट घूमेगी, इस शाफ्ट घूमने से जो एनर्जी कन्वर्ट होगी उससे हमारी क्या बनेगी, डीसी, और वो डीसी सर्किट हमारे क्या करेगी, इनके इसको नॉर्थ बनाएगी और इसको साउथ बनाएगी, ये हमारा साउथ है नॉर्थ है, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पियर, पियर होना जरूरी है। अगर हम, मैंने बताया था जैसे ही अगर एसी लगाएंगे, एसी कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये संभव नहीं है, साउथ साउथ दूर भागेंगे, नॉर्थ नॉर्थ दूर भागेंगे और हमारा काम नहीं होगा, मोटर नहीं चलेगी। यहां तो हो गया, क्या करेंगे, रोटर तो है, रोटर तो लगाया हुआ है, ये रोटर वाइंडिंग हो रही है, लेकिन रोटर के साइड में डीसी सर्किट लगाएंगे छोटा सा, क्या करेगा वो डीसी, डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा इसका, इसके हमारे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इससे उल्टा होगा डीसी की वजह से। हमारा काम क्या है, डीसी सर्किट लगाने का, कि हमारा रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, और ये एन एस साधन बना देंगे, इधर ये एन एस साधन बना देगा, और इससे हमारा क्या होगा, धारा प्रवाहित हो जाएगी और ये हमारी मोटर चल जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि सर ये हमको दिखता नहीं है, इसमें डीसी के अंदर लगा हुआ है, नहीं दिखता, इन दोनों की वजह से ही मोटर नहीं चलती। इसमें एक पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं गेज रोटर, वो गेज रोटर यहाँ पे लगे हुए होते हैं इस तरह से छिद्र करके, इसमें गेज रोटर लगे होते हैं, उन गेज रोटर, ये गेज रोटर होते हैं, इनका ही मोस्ट काम होता है। ये गेज रोटर क्या करते हैं, जो हमारा इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा रोटर घूमता है। जब तक रोटर नहीं होगा हमारा मोटर चल ही नहीं सकती, तो वो सीधा सा उपाय क्या है कि ये इलेक्ट्रिक गेज, ये गेज लगाते हैं रोटर गेज, ये किस लिए लगाते हैं, ये रोटर गेज क्या करते हैं, हमारा जो अंदर वाला रोटर भाग होता है, रोटर के अंदर साफ होती है, रोटर को घुमाने में इनका ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है रोटर गेज का। ये तो हो गई हमारी सी कारखाने, आपको जहां तक मैं जानता हूं समझ में आ गई होगी, क्यों समझ में आ गई, थ्री फेज मोटर है, थ्री वाइंडिंग की, थ्री कॉपर वाइंडिंग, तीन तारों से हमने इसको बांध दिया, इसमें ऐसी धारा प्रवाहित की, तो इसका एक इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेट होगा ये इस तरह से ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे रोटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक रोटर में भी ही देखो किसी चीज को घुमाने के लिए उस चीज में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डालना जरूरी है, इसलिए हमने उस पर भी कॉपर बाइंडिंग की और उसमें डीसी दी। ये हमने जब प्रयोग किया, जब की बात है, उसमें डीसी से इसको कनेक्ट किया, डीसी से, लेकिन मोटर के अंदर इस छोटे से उपकरण में डीसी लगाना संभव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके साफ पर ही डीसी सर्किट, छोटा सा डीसी सर्किट लगा दिया, जिससे इसमें चुंबकत्व पैदा हुआ, चुंबकत्व पैदा होने की वजह से ये नॉर्थ और साउथ पोल बन गया, इसका रोटर का नॉर्थ साउथ बन गया, ये हमारा साउथ पहले ही है, ये नॉर्थ है, इस नॉर्थ ने साउथ से साझा कर लिया और ये दोनों आपस में आकर्षण हो गया। इन आकर्षण की वजह से हमने यहाँ पर छोटे छोटे जो रोटर गेज लगाए हैं, ये अंदर वाले को फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट कर देता है और हमारी शाफ्ट घूम जाती है और हमारी मोटर चल जाती है। सिंक्रोनस मोटर एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चलती है, इसीलिए इसका नाम सिंक्रोनस मोटर पड़ा। अब देखो इसमें क्वेश्चन के साथ है, हाँ मैं जब वीडियो बना रहा था मेरा वो पार्ट रह गया था, अब बताता हूँ मैं उसको, कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि सिंक्रोनस मोटर स्वतः चालित होती है या नहीं होती है। आपको क्वेश्चन दे रहा है स्वतः चालित मोटर, सिंक्रोनस मोटर होती या नहीं होती, आपको बोलता है नहीं, सिंक्रोनस मोटर स्वतः चालित नहीं होती, यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती है,
क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में जब तक गेज ही लगेंगे ना, रोटर गेज की वजह से ये सेल्फ स्टार्ट होती है, इन्हीं की वजह से चलती है। अगर हमने रोटर गेज नहीं लगाया तो ये मोटर कभी चल ही नहीं सकती, इसलिए हमारी मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। ये किनकी वजह से चालू होती है, रोटर गेज की वजह से हमारी मोटर चालू होती है, इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। आपको नहीं आंसर देना वहां पर, क्वेश्चन इस तरह जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वतः चालित मोटर, अपनी सिंक्रोनस मोटर स्वतः चालित होती है या नहीं होती है, तो आपको बोलना नहीं चालू होती है। किसी वजह से चालू होती है, रोटर गेज की वजह से। अब देखो दूसरे तरह क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन वही बता दूं आपको, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो समझाने के लिए था कि मोटर चलती कैसी है, इसकी कार्यविधि। इसमें हम निकालते हैं NS स्पीड, इसकी स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 120 * f / p, और k जगह इसका स्पीड है 60 * f / p। भ्रमित मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर 120 दे रखे वहां पर पोलों की संख्या अपन संभाल लेंगे, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन कोई नहीं आएगी ना। अगर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा 50 या 60 हर्ट्ज की मोटर, 60 हर्ट्ज की मोटर, हर्ट्ज क्या है ये फ्रीक्वेंसी, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और पी वायर पोल्स, ये यानी कि वायर जो मोटर के अंदर, क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा 12 पोल 60 हर्ट्ज, यानी पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 12 पोल, और 60 ये तो है ना, इसकी स्पीड ज्ञात करो, स्पीड ज्ञात करो। इतना जनरली क्वेश्चन आएगा सिंक्रोनस मोटर की, 60 हर्ट्ज की मोटर है, और ये उड़ देगा थ्री फेज की मोटर है या सिंगल फेज की, एक क्वेश्चन होगा कि थ्री फेज की मोटर है, ये इसकी सेटअप स्पीड ज्ञात करो। अब देखो ये अपने पास दो पोल में है, तो हमने क्या करा, ns बराबर 120 * f, कितने फ्रीक्वेंसी कितनी है, f बराबर, इस f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी हो गई 60 / p, कितने पोल है 12, कितने पोल से देखते हैं 12, इस 12 को हम थ्री फेज की मोटर के लिए क्या करते हैं चेंज, p बराबर कितने हैं हमारे 12, और थ्री फेज की मोटर है तो इसको तीन से काट देंगे, 3 × 12 कितने हो गए 4, यहां से हमारा क्या आ गया p बराबर 4, फिर इसके पेयर बनाएंगे, पेयर तो हमको बनाने होंगे, पेयर क्या पेयर, तो अगर पेयर नहीं बनाते तो ये फॉर्मूला यूज करने, हमको p बराबर क्या क्या पास 4, तो इस यहां रख देंगे p बराबर 4, 4 किया 12 30 / 60 हमारी कितनी आ गई 1800 rpm, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 1800 चक्कर हमारा साफ, कितने चक्कर काट रहा है 1 मिनट में 1800। अब देखो ये तो हमने 120 वाले फॉर्मूले से दिया, अगर हम इस फॉर्मूले से लेते हैं ns बराबर 60 * फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 / p, यहां पे 60 दे रहा है तो हमको पीयर के जोड़े बनाने पड़ेंगे, पीयर के जोड़े कैसे 12 पोल है, p बराबर 12 पोल है, इसको 2 से काट दो तो ये हमारा कितना आ गया 6 पोल, और 6 पोल को हम किससे भाग देंगे थ्री फेज की मोटर से, ये आ गया हमारा 2, पीयर तो बनाने पड़ेंगे ना, पीयर बनाने के लिए अब यहां रख दो आप 2, पहले हमारा यहाँ पे 4 आया था, इसमें 4 आया था, कैसा आया था कि हमने यहाँ पे पीयर नहीं बनाए थे, 120 ऊपर ले लिए थे, अब इससे 30 से काट दो 2 × 30 वही 1800 rpm, अगर आप 60 वाले से करते हो तो इसको पहले पीयर बना लो, 6 पीयर 6 में 3 फेज का भाग दे दो और यहाँ से हमारी रिवॉल्यूशन पर मिनट निकल जाएगी, अगर पीयर नहीं बनाते हो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंगल फेज ले लेते हैं, ये तो हो गया 3 फेज के लिए, सिंगल फेज के लिए क्वेश्चन आ गया कि स्पीड निकालो, स्पीड ज्ञात करो मोटर में, 50 हर्ट्ज की मोटर है, 50 हर्ट्ज 6 पोल है और सिंगल फेज मोटर है ना, सिंगल फेज मोटर है 6 पोल है और ज्ञात करो स्पीड ज्ञात करो, तो हमारे पास सिंपल से बोलना ns बराबर 120 * f / p या ns बराबर 60 * f / p, ये दोनों फॉर्मूले हो गए अपने पास। अब देखो निकालते हैं कि 120 * f कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है इसने यहां 50, और p कितना दे रखा है, 120 वाले में p में पीयर नहीं बनाना है, उसी में लेना 6, और सिंगल फेज की मोटर है तो 6/1 कर देना, हमारा 6 ही आएगा p, अगर थ्री फेज की होती तो यहां पे 6 से 3 से काटना पड़ता है, 2 आता p, ये याद रखना, थ्री फेज की मोटर में 3 से भाग दिया जाएगा और सिंगल फेज की मोटर में 1 से भाग दिया जाएगा, तो यह हमारा 6 आ गया, 6 × 12 5 × 10 1000 rpm,
1000 आरपीएम आ गई यहां से हमारी एनएस। अगर इसमें इस फॉर्मूले में करना है 60 * f कितना है 50 अपॉन p, p के पेयर बना दो, p के पेयर बनाने पड़ेगा अपन को, सिर्फ पेयर डायरेक्ट नहीं रखना पड़ेगा, 6/2 कितना आ गया अपना पेयर 3 रख दो, 3 × 6 वही 1000 आरपीएम। और आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे 120 पर रखो या फिर इस पेयर वाले में रखो 60 वाले में, जो आप रख सकते हो। क्वेश्चन इसी में सिंक्रोनस मोटर में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंक्रोनस मोटर कितने टाइप्स की होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकती है। सिंक्रोनस मोटर दो टाइप की होती है, थ्री फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिंक्रोनस मोटर के पार्ट क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं स्टेटर और रोटर। रोटर क्या का, रोटर का काम क्या होता है कि रोटर का काम होता है वो शाफ्ट के ऊपर रहता है और उसमें वो रोटेट करता है, रोटर हमारा घूमता है, जबकि हमारा स्टेटर घूमता नहीं है, वो फिक्स रहता है ऊपर, जिसमें थ्री फेज मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या सिंगल फेज मैग्नेटिक। अगर सिंगल फेज मोटर है, ये देखो सिंगल फेज मोटर, तो इसमें एक वाइंडिंग होगी है ना, और थ्री फेज मोटर तो थ्री वाइंडिंग होगी, बस यही अंतर है सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर में। और यह हमारा अंदर रहेगा रोटर, ये किससे कनेक्ट होगा, ये इसमें डीसी पर, इसमें डीसी धारा प्रवाहित होगी, इसमें एसी प्रवाहित होगी। तो भाइयों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर तो सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि शेयर कर आपकी तरह, जैसे आपने उस स्टूडेंट से मेरे से पूछा था कि सर इसके ऊपर लेक्चर बनाओ, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले, उनको भी नॉलेज हो और उनका कोई विचार हो, पेपर नहीं बिगड़े। और मेरे चैनल को लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर बहुत ज़्यादा करें। धन्यवाद।